और आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मैं अगर यहाँ पूछूं, सवाल पूछूं युवाओं से, यहाँ पे असम में इस मीटिंग में कितने युवा बेरोजगार हैं, हाथ उठा के दिखाओ। ये देख लो, जहाँ भी आप सवाल पूछोगे, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में पूछो, आपको बेरोजगारी ही बेरोजगारी दिखाई देगी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। नमस्कार, इस स्वागत के लिए, प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा करी 4000 किलोमीटर। कांग्रेस पार्टी और लाखों लोग एक साथ चले थे। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे सोच, जो नफरत बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। वो धर्म, जात और भाषा का प्रयोग करके हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि देश एक साथ मिलकर काम करे। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर प्रदेश के लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़े। बहुत भारत जोड़ो यात्रा का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट देश के पॉलिटिक्स पर पड़ा। लोगों ने हमसे कहा कि देखिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तो यात्रा कर दी, मगर नॉर्थ ईस्ट में, असम में, ओडिशा में, बाकी प्रदेशों में आपने नहीं की, इसलिए हमने दूसरी यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो हमने मणिपुर से शुरू की, नागालैंड से निकली, अब हम असम में 8 दिन आपके साथ चलेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं उनको समझेंगे और जनता के सामने, देश के सामने आपकी इश्यूज को हम रखेंगे। इसके बाद असम से अरुणाचल, अरुणाचल से बंगाल, यह यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी, तकरीबन 6000 किलोमीटर इस यात्रा का डिस्टेंस है। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में, असम में और हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। मणिपुर के बारे में आप जानते हो, पहली बार एक स्टेट में सिविल वॉर लागू है, स्टेट बटा हुआ है और महीने हो गए प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। हिंसा को असम से बेहतर कोई नहीं समझता है। एक समय हुआ करता था जब आप लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, हिंसा थी, नफरत फैली हुई थी, लोगों की हत्या हो रही थी। और याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने हिंसा को खत्म किया और असम के लोगों को जोड़ा। और आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है।
सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे से खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। असम की जनता शंकर देव की जनता है, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है और आपने बाकी देश को रास्ता दिखाया है। देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मैं अगर यहां सवाल पूछूं युवाओं से, यहां पे असम में इस मीटिंग में कितने युवा बेरोजगार हैं, हाथ उठा के दिखाओ, ये देख लो। जहां भी आप सवाल पूछोगे, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में पूछो, आपको बेरोजगारी ही बेरोजगारी दिखाई देगी। दो तीन उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई जाती है, चाहे एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, कृषि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा अडानी जी के हाथ कर दिया और यहां आपके चीफ मिनिस्टर सारा का सारा अपने हाथ कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेस, जिससे रोजगार बनता है, उसको जीएसटी और नोटबंदी से खत्म कर दिया। नतीजा है कि देश के सारे उद्योग एक के बाद एक बंद हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये युवाओं के खिलाफ अन्याय है, सबसे बड़ा अन्याय बेरोजगारी युवाओं के खिलाफ हो रहा है। ये हम देश के सामने रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान बेरोजगारी के साथ कभी प्रगति नहीं कर सकता है। हमारा वायदा है, कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा भर के आपको देंगे, और जो छोटे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो आपके यहां इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आपने अपनी पूरी शक्ति इस यात्रा को दी, हजारों लोग आज हमारे साथ चले, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.